हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डियर स्टडिंग टेक चैनल में। मैं दिलीप सुथार आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है ना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि भाई है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि हम लोग है ना, जो म्यूचुअल फंड है उसके क्या होते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, तो ये जो म्यूचुअल फंड के जो टाइप है, आज हम लोग जानेंगे कि हमको ना कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत सिंपल से ना कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। ये जो है ना, अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ये ना मैं पांच टाइप के ऐसे म्यूचुअल फंड आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं म्यूचुअल फंड के नाम नहीं बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के लिए जो भी नाम अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में हम लोग शुरू करें, तो इसके लिए ना मैं ना दिसंबर से अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ। उस प्रोग्राम में क्या होगा कि हमको कि आप देखा जाए तो जो न्यू ईयर के लिए, जो हमारा 2024 के लिए हम लोग ने बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से होंगे हर सेगमेंट में, इस चीज के लिए भी मैं बताने वाला हूँ आपको। वो सारी चीजें मैं आपको जो बताऊंगा, ये दिसंबर से एक सीरीज शुरू होगी। तो दिसंबर की इसे ना सीरीज को ना एवरी मतलब हम दो दो दिन के अंदर हम लोग बेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड निकालेंगे, अलग अलग टाइप्स के निकालेंगे। अब इसके अंदर कौन से अच्छे होंगे, आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको जानने के लिए हमारे इस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक है ना बेल वाला आइकॉन है, उस बेल के आइकॉन को दबा दोगे तो मेरी हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको पता चले कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये आपके साथ चलने वाला है। तो ये प्रोग्राम जो चलने वाला है, ये कम से कम है ना 15 तारीख तक है ना प्रोग्राम चलेगा। और हम लोग लास्ट में हम लोग एक है ना Q&A निकालेंगे, जिसके अंदर है ना हम लोग को पता चलेगा भाई हमको ना किस म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे कुछ क्वेरी है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फटाफट अभी ना चलो, अभी ना सब बैठ के ना सब्सक्राइब कर लो। कर लिया आपने सब्सक्राइब? ओके। और अगर ऐसी है ना इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए, तो आपने ना एक है ना बेल के ऊपर मैंने आइकॉन का वो दबा दिया। ओके, डन। तो चलो भाई फटाफट अभी इस वीडियो को, और भी हाँ, और सबसे बड़ी बात चीज, और भी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो भाई फटाफट है ना इस वीडियो को शेयर कर दो कि भाई कहाँ पे ये आप है ना यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको मिली कैसी इन्फॉर्मेशन, सबको बता देना। ओके, तो फटाफट अभी हम लोग आ जाते हैं। अभी ये तो हो गई भाई, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा भटक गया, मेनली आते हैं। अभी सबसे पहला अगर मैं अपने के सामने का शुरू करूं, तो सबसे पहला होता है इक्विटी फंड। अभी ना इक्विटी फंड में क्या होता है कि ये जो भी आपका पैसा लगता है, ये पूरा का पूरा ना स्टॉक्स में पैसा लगता है, इक्विटी यानी कि स्टॉक्स। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड में आपको डर तो लगता है, लेकिन डर तब लगेगा जब आज मैं आप लोगों को सामने जब टाइप बताऊँ, आप उस टाइप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब आपको थोड़ा डर कम लगने वाला है। तो स्टॉक्स में 100% जो भी पैसा है वो शेयर्स के अंदर लग जाता है। अब शेयर्स में क्या होता है कि कभी कभार कुछ कंपनियां जो है, वो कंपनियां क्या होती है कि कभी कभार कंपनी ऐसी मोमेंट में ऊपर जाती है, तो हमारा ना म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो भी ऊपर जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर जब है ना कंपनी के प्राइस नीचे आ जाते हैं मार्केट, तो फिर उसी कारण हमारे भी रिटर्न्स नीचे आ जाते हैं। ये करना तो ना इस तरह से होता है, इक्विटी फंड के अंदर ऐसे काम होता है। अभी नाउ भी हम लोग देखा जाए तो अभी ना दूसरा ऐसा कौन सा फंड है, दूसरा अगर जो फंड है जो इससे थोड़ा सा रिस्क फ्री फंड है, ये डेप फंड होता है। अब डेप फंड के अंदर क्या होता है कि जो भी पैसा अभी आपका लग रहा है, अब ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जैसे कि ना कंपनी ये बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, बॉन्ड्स के बाद है ना कुछ ना ये जो सबसे बड़ी चीज है। ओके, तो यहाँ पर है ना जहाँ जहाँ उनका बहुत सिक्योरिटी होता है, यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह, वहां पर आपका ज्यादा रिस्क ना हो, ऐसी जगह पे पैसे लगा होता है। डिबेंचर्स में लोग ना कुछ पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक है ना उनको ना अप्रोक्स रिटर्न्स होता है, तो वो रिटर्न्स उनको फिक्स आते हैं। जैसे इक्विटी में जैसे कुछ भी रिटर्न्स मतलब होते थे, बट यहाँ पर डेप्थ में अगर देखा जाए तो आपको ना आराम से ना देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको 8 to है ना कम से कम है ना 15% के आसपास यहाँ पर अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड दे देते हैं, जो भी है ना देखा जाए तो। और अभी ना थर्ड अगर हम लोग देखा जाए तो ना थर्ड ऐसे क्या है, एक है ना हाइब्रिड फंड आता है। अब ये हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि ना यहाँ पर कि ना जो जो लोगों ने पैसे डाले, ओके, अब वो पैसे
क्या होता है, आधे पैसे इक्विटी में जाते हैं, आधे पैसे डेब फंड में जाते हैं, यानी कि जो आपका रिस्क है वो रिस्क आपका डिवाइड हो जा रहा है। तो आपका रिस्क डिवाइड हो गया मतलब भाई पूरी तरह से रिस्क नहीं, मतलब यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको कैसा करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पर करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अभी कि हाँ यार मुझे ना इन फंड में अगर मैं अपने पैसे डालूंगा तो यहाँ मुझे रिस्क कम होगा, यहाँ रिस्क ज्यादा होगी। तो ये एक ना रिस्क को डिवाइड कर देता है। और अभी जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग का ना जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जो लोग है ना 5 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, वैसे लोग भी क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरा थोड़ा टैक्स बच जाए, तो वो देखते हैं ईएलएस फंड यानी कि टैक्स सेविंग फंड, ये भी आप है ना सब बोल सकते हो। तो ये टैक्स सेविंग फंड में भी क्या होता है कि है ना देखा जाए तो यहाँ पर ना कुछ लोगों का जो पैसा है तो वो अपना यहाँ पर सेव कर सकते हैं। वो कैसे सेव हो सकता है कि ना इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यानी कि ना 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप है ना चाहे तो अंडर 80C सेक्शन के अंदर आप है ना इसे क्लेम कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, यहाँ पर आपको रिटर्न कम आएंगे बट आपको ना टैक्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ओके तो ये सबसे बड़े बड़े जो आपको म्यूचुअल फंड में आपके सामने शेयर कर दिए कि इस अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई भाई मेरा कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है, मेरा बहुत शॉर्ट प्लान है, मैं बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लिक्विड फंड में। अब लिक्विड फंड के अंदर अगर आप है ना जैसे अगर अपना प्लान बना रहे हो कि भाई मुझे कुछ है ना ये मतलब ना 5 मंथ से लेकर के आसपास या 5 महीने 6 महीने या फिर मुझे 1 साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर देना करके, ओके तो ऐसे लोग अगर है ना चाहते हो तो है ना आप है ना लिक्विड फंड में जाओ। लिक्विड फंड में भी आपको कम है ना परसेंटेज मिलेंगे, मतलब है ना 5 to 8% के आसपास मिल जाएगा, बट आपको ना यहाँ पर भी अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ना रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं इन सभी फंड्स में, और सारी आपकी कोई टेंशन भी नहीं है कि आपको कहाँ पर कैसे परफेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कैसे नहीं। तो अभी आप देखिए कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है, अब कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए ये तो मैं आपको दिसंबर में बताने वाला हूँ, लेकिन आप अपना रिस्क कहाँ चाहते हो भाई, कहाँ बहुत जबरदस्त पैसा बनाना है तो इक्विटी फंड में उड़ी मारते हैं, थोड़ा रिस्क कम रखना है तो फिर है ना हम लोग डेब फंड में एंट्री मारते हैं। हमको दोनों चाहिए तो भाई हम लोग हाइब्रिड फंड में अपना कर लेंगे, हमारे रिस्क भी हो जाएगी, हमारा ज्यादा भी रिटर्न और थोड़ा कम भी रिटर्न दोनों का अप्रोक्स। और मेरे पास भाई बहुत ज्यादा मेरी सैलरी है तो टैक्स ना मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं इसे लिक्विड फंड के लिए। ये होगी हमारी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। वीडियो पसंद आई है अब तक अगर वीडियो में लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लेना, और ऐसी ही वीडियो को हरदम जानने के लिए इस चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब कर देना। आपका इतना प्यार मेरे लिए काफी होगा ना। अभी मैं आप लोगों के लिए ना नेक्स्ट ना सीरीज लेकर आऊंगा, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। और चलो गाइस अब तक अब अभी के लिए बाय।